नमस्कार मित्रों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2021 जो अपना एग्ज़ाम है, इसकी रेस अपनी लगभग स्टार्ट हो चुकी है। और हर बार की तरह इस बार भी लगभग 3 कैटेगरी हो सकती हैं अपने एस्पिरेंट्स की, जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। मैं एक तो अपने बुक एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को पहले भी लिख चुके हैं, कई बार सीरियसली नहीं लिखा, या मेंस में कई बार 2 मार्क 4 मार्क 5 मार्क 10 मार्क का डिफरेंस रह जाता है और इंटरव्यू से वापस हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार 2-4 मार्क से उनके रिजल्ट रुक रहे हैं। उन्हें इस एग्ज़ाम का पहले से ही काफ़ी अनुभव है और उनमें से काफ़ी तो ऐसे रहेंगे स्टूडेंट्स जो या तो इस प्रीलिम के रिजल्ट के बाद वो टोटल फॉरेस्ट्री को ही डेडिकेट करेंगे, या फिर सिविल के बाद वो 15-20 दिन जो 25 दिन का टाइम मिलेगा उसमें वो प्रिपेयर करेंगे। दूसरे अपने एस्पिरेंट्स की वो कैटेगरी है जो इस एग्ज़ाम को पहली बार देंगे या फिर पहली बार वो सीरियसली, पहले भी 1-2 बार दे चुके हैं बट सीरियसली प्रिपेयर होके नहीं दिया है, इस बार वो सीरियस होके प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को देंगे। और थर्ड अपनी एक कैटेगरी हो सकती है कि ऐसे एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम को इस बार नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं, 22 के लिए या 23 के लिए, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए, या फिर जिनके जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है वो टारगेट हैं। तो इस टाइप से अपने 3 एक ब्रॉड कैटेगरी में समझ सकते हैं। इसमें जो पहले से अनुभव है जिन्हें, उनके लिए शायद ये ओरिएंटेशन वीडियो जो है वो उतना लाभदायक ना हो, क्योंकि बेसिकली जो चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी उन्हें पहले से ही काफ़ी चीज़ों का अनुभव है, वो समझते हैं। तो वो अगर उन्हें क्लास ज्वाइन करनी है तो जो वीडियो की टाइमलाइन है उस पर डायरेक्ट पेमेंट वाले पार्ट पर वो क्लिक करके सीधा वहाँ लास्ट में वॉच कर सकते हैं। और जो अपने रिमेनिंग 2 कैटेगरीज हैं एस्पिरेंट्स की, इसमें मेजोरिटी पार्ट ऐसा भी है जो सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, या कई बार जो छोटे मोटे साल भर के दौरान बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें, हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और क्लास को क्यों ज्वाइन करें, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं इनको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखो, ओरिएंटेशन में ये मुद्दा नहीं होता कि मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूँ, सिलेबस कॉमन सा है, आप लोगों का एक लेवल पहले से ही है, प्रीलिम निकाल चुके हो, एक स्टेटस, एक जो मेंटल स्टेटस है वो आप पहले ही अचीव कर चुके हो, तो ये छोटी मोटी चीज़ों का मतलब निकलता नहीं है। तो यहाँ सीधा अपना बात मुद्दा वही रहेगा कि अपन किस मुद्दे पे बोलने वाले हैं। तो पहला तो है कि जो न्यू कमर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर ले रहे हैं, तो उनका एक इशू रहता है कि कौन सा ऑप्शनल है, या फिर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेस्ट्री ही लो, आप अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हो, तो कौन सा ऑप्शनल है। नॉर्मली कोई भी आप ऑप्शनल लें, कुछ ऑप्शनल लेने के अपन जो कॉमन क्राइटेरिया मान के चलते हैं उसमें रहता है कि वो इजी अंडरस्टैंड हो, आसानी से आपको पढ़ने में समझने में आ जाए सब्जेक्ट। तो अगर आपके एकेडमिक सब्जेक्ट से जुड़ा है तो थोड़ा आसान होता है ये, आपको उसका जो मटेरियल है, रेफरेंस बुक्स है, टेस्ट पेपर है, ये आसानी से अवेलेबल हो, गाइडेंस आज आसानी से अवेलेबल हो, और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ वगैरह बनाने का अच्छा खासा स्कोप हो, क्योंकि फाइनली जो मार्क्स हैं ये ग्राफ फ्लो चार्ट यही खींचते हैं। मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन जैसे सांख्यिकी है, स्टेटिस्टिक्स, उसमें आप फ्लो चार्ट, ग्राफ, डायग्राम जैसी चीज़ें नहीं बना सकते, जबकि जूलॉजी, बॉटनी है, आपका फॉरेस्ट्री है, इनमें आसानी से बन जाती, तो इनमें आसानी से मार्क्स भी अच्छे निकल आते हैं, जियोलॉजी उसमें भी अच्छे मार्क्स निकल आते हैं। तो आप ऑप्शनल उस हिसाब से ले सकते हैं, और उसी क्राइटेरिया पे जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरेस्ट्री में क्यों लूँ, तो भाई ये तो आपकी मर्ज़ी है कि आप फॉरेस्ट्री क्यों लेना चाहते हैं,
बट सिंपल चीज़ वही है कि आपको फॉरेस्ट्री जो अदर कंपेयर अदर जो कंपेरेटिव जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके कंपेयर में इसे पढ़ना थोड़ा आसान है ना। ये रट्टा मार टाइप का पार्ट है, थोड़ा बहुत पार्ट है इसमें जिसे रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ती है, खासकर फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में और ट्री स्पीसीज में, लेकिन वो भी अगर तिकड़म चलाओगे तो कुछ हद तक चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो ये रट्टा मार जैसी चीज़ें नहीं है, इसमें समझ के काम चल सकता है, इसलिए ये एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा, आपको जो अदर क्राइटेरिया है जैसे कि मटेरियल, बुक्स है, गाइडेंस है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही, तो आजकल ये चीज़ें भी इजीली अवेलेबल हैं, आप फ्लोचार डायग्राम ग्राफ वगैरह आसानी से बना सकते हो, तो एक टाइप से अच्छा ऑप्शनल है। दूसरा, भी हाल ही में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ओपीएससी उड़ीसा सिविल सर्विस में फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर का वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि नहीं। तो देखो, ये सेंटर का अपना मुद्दा है, स्टेटों का अपना क्राइटेरिया है। मैं क्या बोलता हूँ या कोई भी आपको क्या बता रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बेहतर है कि उस स्टेट पीएससी जब एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट करती है तो जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है आप उस नोटिफिकेशन को प्रॉपरली रिफ़र करें। उस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे अपने अगर आईएफएस की बात कर लेते हैं, आईएफएस में यहाँ 14 सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। और यहाँ आईएफएस में कुछ बार किया गया है, जैसे जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप यहाँ फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते हैं, आप इसके साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस, एनिमल, ये जो है हस्बेंड्री, इन्हें आप नहीं ले सकते हैं। वैसे ही कुछ रेस्ट्रिक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के साथ भी है, लेकिन ये आईएफएस में है, ऐसा आपके स्टेट में हो जरूरी नहीं है। जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा में सिविल में भी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल दिया है। देखो, यूपीएससी के सिविल में फॉरेस्ट्री नहीं है, बट उड़ीसा है, हिमाचल है, इनकी सिविल में भी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ केवल एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी का एक बॉन्डेज है, रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन फॉरेस्ट्री के साथ नहीं है। ऐसी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन एग्रीकल्चर ये जो इंजीनियरिंग है उसके साथ आप देख लो कि रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो आप अपने नोटिफिकेशन को प्रॉपरली चेक करिए, वहाँ चीज़ें ज़्यादा बेहतर लिखी रहती हैं, आप उस हिसाब से चीज़ों पर जा सकते हो। फिर भी यहाँ जब ऑप्शनल की बात आ गई है तो मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा। जैसे मेरा ऑप्शनल था बॉटनी एंड फॉरेस्ट्री, अब बॉटनी मेरे लिए सुटेबल नहीं है, फॉरेस्ट्री मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फॉरेस्ट्री से मेरा बैकग्राउंड है, और मेरे लिए जो सब्जेक्ट था वो मैं एग्रीकल्चर वाला था। 2012 में जब फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया तो मैं बॉटनी पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसका सेकंड पेपर एग्रीकल्चर का और बॉटनी का सेकंड पेपर लगभग सिमिलर जाता है। तो अगर आप फॉरेस्ट्री और बॉटनी का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो इसका आपके लिए कोई खास बेनिफिट जैसी चीज़ लगती नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा तो लग नहीं रहा है। इसमें आप बॉटनी को रट्टा मार बहुत ज़्यादा है, और फॉरेस्ट्री जब आपका एकेडमिक्स से नहीं है तो क्या है, खुद दिमाग का दही करो। उससे बेहतर है आप बॉटनी के साथ एग्रीकल्चर ले लो, एग्रीकल्चर का जो सेकंड पेपर है और बॉटनी का जो सेकंड पेपर है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो कम से कम आपकी जो मेहनत है वो डबल नहीं होगी। तो आप इस हिसाब से अपने ऑप्शनल जो हैं उन्हें देख सकते हैं। गले में थोड़ी समस्या है तो वॉइस उतनी क्लियरली निकल नहीं रही है, बट मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर वे में कन्वे हो जाए। एक और मुद्दा आता है कि जो स्टडी मटेरियल है वो क्या है, कहाँ से मिल सकता है, क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर 22 या 23 के लिए पढ़ रहे हैं उनके पास टाइम है, वो जैसे मार्केट में इजीली अवेलेबल बुक है मणिकनंदन, उसे यूज कर सकते हैं, और उसके साथ जो कुछ ट्रेडिशनल बुक हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए अगर उनके पास एक दो साल का टाइम है और वो सेल्फ कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो नॉन फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के हैं वो कितना भी पढ़ लें उन्हें वो समझ में नहीं आने वाला, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इजीली हैंडल नहीं होगा, चीज़ें उतनी सिंप्लीफाई नहीं होती हैं।
और जो इसी साल कर रहे हैं तो भाई उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है, उन्हें तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि देखो मणिकानंदन एक मार्केट से इजीली अवेलेबल है और आप लोग अभी तक ले चुके हो तो उसे यूज़ करिए आप। लेकिन मणिकानंदन से काम नहीं चलेगा, एग्ज़ाम है उसके पैटर्न में बहुत बदलाव हो चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुका है। आप कोई भी क्लास हो, वैसे आजकल शायद जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है 3 ही लोग हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं, एक अपना हॉर्नबेल है, दूसरा इवोल्यूशन है और तीसरा शंकर IAS। तो किसी का भी स्टडी मटेरियल हो, और भी कोई क्लास हो सकती है, किसी का भी स्टडी मटेरियल हो, जो भी आपको मिल रहा है, जुगाड़ हो रही है, जैसे भी आप उसे रेफ़र करिए। आप ये बुकों के चक्कर मत पड़िए, पॉसिबल नहीं है इतना डिटेल में पढ़ना। हाँ, हैंडबुक आप देख सकते हो, या अगर आपने बुक मंगा ली है तो आप एक बार देख सकते हो, मना किसी को नहीं है, आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल पढ़िए। पिछले साल भी कुछ स्टूडेंट ने इसे पढ़ा था तो आप पढ़ सकते हो उसे। लेकिन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप फॉरेस्ट्री को इतना टाइम दोगे तो फिर आपके पास अदर ऑप्शनल है, वहाँ समस्याएँ खड़ी हो जाएंगी और मैन इशू आ जाता आपके GS और इंग्लिश के साथ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की जो कुर्सी है वो 4 पिलर पे खड़ी है। आप एक ऑप्शनल कर लोगे, जैसे सपोज फॉरेस्ट्री आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, ठीक है, बट एक पिलर आप कितना भी मोटा कर लो तब भी अगर 3 पिलर कमज़ोर हैं आपकी चेयर टिकेगी नहीं। तो आपको GS और इंग्लिश पे थोड़ा काम कर लेना चाहिए। और ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि स्टूडेंट GS और इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते हैं और वहाँ पर जो 15 15 मार्क्स 20 20 मार्क्स की जो कमी पड़ जाती है वो लीथल हो जाती है। तो आप उसे देखें। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमें कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। देखो कोचिंग कुछ नहीं करती है, सपोज आप हॉर्नबिल क्लासेस को भी ज्वाइन करते हैं तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। बस इतना है कि जो चीज़ें आप सेल्फ में 10 मंथ में या 12 मंथ में प्रिपेयर करेंगे उसे हम लोग 2 मंथ में कवर कर देंगे। कोई भी क्लास हो, एवरेज सबका बेसिक जो थीम है वो सेम ही रहती है कि आपका जो इफ़ॉर्ट है उसे शार्प कर देते हैं, क्योंकि हमने पेपर एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या पूछ रहा है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना टाइम बचा पाते हो। एक टाइप से बेसिकली कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का मतलब आप टाइम को कम कर रहे हो अपना। तो ज्वाइन करना ना करना आपका अपना डिसीजन है, आप सेल्फ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है क्लास ज्वाइन ही करो। आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ है, क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है, जल्दी वेबसाइट आ जाएगी तो उस पर भी डाउनलोड सेक्शन में बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी फ्री, वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब लास्ट मुद्दा आता है अपना कि ठीक है मैं चलो अगर सेल्फ भी करता हूँ, क्लास भी ज्वाइन करता हूँ, तो प्रिपरेशन की एक एवरेज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखो कोई भी एग्ज़ाम है वो बेसिकली 4 पिलर पर आधारित होता है। फर्स्ट पिलर है कि आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, वो आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन घुमा रहे हैं और पिछले 5 6 साल के दौरान इन्होंने क्वेश्चनों को कैसे घुमाया है, कैसे ये अप डाउन करके लेके गए हैं। दूसरा रहता है अगर आपको उसका वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल मिल जाए तो थोड़ा और आसान हो जाता है, चीज़ें जल्दी कवर हो जाती है। और ये दोनों पार्ट जो हैं, क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल, ये आप मान के चलिए कि ये 40% ही हिस्सा बनाते हैं। रिमेनिंग 40% है आपका प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। प्रैक्टिस को आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि दुश्मन ऐसे आएगा, आपको तलवार ऐसे निकालनी है, तलवारबाजी ऐसे की जाती है, ऐसे की जाती है, वैसे की जाती है, तलवार का हाइट ये होती है, लेंथ इतनी है, वेट इतनी है, कितना भी बता दिया जाए लेकिन जब तक आप तलवारबाजी खुद नहीं करोगे तो उम्मीद नहीं की जाती कि बिना तलवारबाजी करें उसकी प्रैक्टिस किए आप अगर वार में कूद जाएंगे तो हारेंगे। तो प्रैक्टिस बिल्कुल
सीधा सीधा 40% पार्ट है। कई बार ऐसे ACF और IAS भी बने हैं बच्चे, मेरे जूनियर भी हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं उनके, उन सब्जेक्टों में भी आए हैं जिनमें उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। बस ये बोल सकते हो कि समझ कम थी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को लिखा ऐसे था कि शायद एग्जामिनर ने पढ़ा नहीं प्रॉपरली, और वो फ्लो चार्ट और उसके डायग्राम के गुंताड़े में ऐसा बिधा कि वो आगे निकल गया मार्क्स देके। तो जिस सब्जेक्ट का या कॉन्सेप्ट की ज़्यादा समझ नहीं है, इसके बाद भी उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ गए, तो प्रैक्टिस वहाँ आपको हेल्प कर जाती है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, आप में से कई के साथ हुआ होगा, कि हमें जैसे कोई क्वेश्चन लिखना है, उसमें डायग्राम फ्लो चार्ट ग्राफ बनाना है, सोच लिया, लेकिन जैसे ही पेपर शुरू होते हैं ये फिलोसोफी एक तरफ रह जाती है, और फिर वो तो उसमें लिखते लिखते जाते हैं, क्वेश्चन पेपर लिख करके जब बाहर निकलते तब याद आता है कि हमने किसी में फ्लो चार्ट डायग्राम तो बना ही नहीं। तो वो जब आप राइटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाई डिफ़ॉल्ट वो आपकी आदतों में आ जाता है, तो यहाँ आसानी हो जाती है। और फोर्थ पिलर जो लगभग 15% या 20% आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ये है अपने आप को सही सलामत एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा देना। कई बार एग्जामिनेशन सेंटर में जाते समय थोड़ा डिले हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अच्छा खासा दिमाग का दही हो गया और पेपर ख़राब हो जाता है। कई बार हाइपरटेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती एग्ज़ाम के टाइम पे, या एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोगों का जो सोना जागना है, हालांकि IFS में ज़्यादा समस्या नहीं है, सिविल में ज़्यादा समस्या है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है उसमें, सोने जागने में दिन पता नहीं पड़ते हैं उसमें, सुबह से जल्दी जल्दी जगे, पेपर दिया और शाम तक जब तक घर पहुँचे अंधेरा हो गया, सो गए, फिर दूसरे दिन वही काम, तो दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है। तो वैसे केस में आपको थोड़ा उसके हिसाब से अपने आप का सोना जागना जो है एग्ज़ाम के हिसाब से 15-20 दिन पहले मेंटेन करो। पेपर अगर किसी लोकल सिटी में है तो ज़्यादा बेहतर है, आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो। तो ये रही चार चीज़ें यहाँ करनी है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये आपको कहाँ से मिलेंगे। देखो, एक तो तरीका है आप पिछले साल के पेपर डाउनलोड करो और एक एक करके खुद ही सेग्रीगेट करो, या फिर जब ये पहले से हो रखे हैं इन्हें आप यूज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, 2020 से 2008 तक पुराने भी हो सकते हैं। और यहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इसमें होंगे स्टेट के, दो PDF हैं, एक में IFS के हैं और एक में स्टेट के हैं। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टेट वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लें, अगर आप IFS की कर रहे हैं तब भी आप ये स्टेट के क्वेश्चन ज़्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ये हेल्प करते हैं। क्योंकि होता क्या है, IFS में सपोज पिछले 15 साल से पेपर बन रहे हैं, IFS का पेपर बनाने वाले कहाँ के लोग हैं, सोलन से हैं, पंतनगर से हैं, BHU से हैं, तमिलनाडु से हैं, मतलब कोयम्बटूर है, वही टीचर हैं। अब तमिलनाडु के अगर कोयम्बटूर के किसी टीचर ने पेपर अगर सेट किया है, यूजुअली हायर लेवल है, जैसे कि HOD है, डिपार्टमेंट का हेड है, कई बार झारखंड है, झारखंड PSC ने पेपर लंबे भेजते हैं, झारखंड वालों ने भी भेज दिया तमिलनाडु को, उन्होंने ही सेट किया, तो कई बार क्वेश्चन वैसे ही घूम जाते हैं। ऐसा अक्सर अभी जब एनालाइज किया गया है तो ये भी पता पड़ा कि अक्सर स्टेट के जो क्वेश्चन हैं मेजोरिटी वो IFS वाले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ेंगे और IFS के क्वेश्चन स्टेट में आ रहे हैं, और स्टेट वाले क्वेश्चन हैं वही घुमा फिरा के IFS में आ जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ें हैं, मोह माया है सब कुछ। तो आप IFS के क्वेश्चन देखें लेकिन स्टेट के देख लें, पहले से एनालाइज हैं, यहाँ पर पढ़ें, आप अपने हिसाब से देख लो, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने स्टडी मटेरियल ले लिया है तो वैसे आपको इस टाइप की स्ट्रक्चरल भी मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा है, वही ये स्टेटों में घुमा फिरा के पूछते रहे, पहले उड़ीसा वालों ने यहाँ ACF में पूछ लिया, उससे पहले इन्होंने सिविल में पूछा था, वही यहाँ अरुणाचल प्रदेश वालों ने 17-18 में पूछ लिया। यानी कि IFS का जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड होता है, और ऐसा ही नहीं कि IFS का, स्टेट वालों के IFS में भी हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछले साल ही, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे स्टेट के कॉपी से हो रखे हैं IFS के में, तो ऐसा रिपीटेशन भी होता है, तो आप ये क्वेश्चन समझ लो। दूसरा, ये क्वेश्चन आपको जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, इसे आप
एक टाइप से एडवर्टाइजमेंट ना समझे, जस्ट बताने के लिए है कि क्वेश्चन एनालिसिस आपको ये भी हेल्प कर दे कि जैसे कोई टॉपिक है फॉरेस्ट फायर, इसमें देखोगे 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 बच गया, 12, इसमें और भी हैं 11, लगभग इसमें पिछले 15-16 साल में ऐसा है कि हर साल क्वेश्चन आया है, लगभग 2003 या 2004 से ऐसा लगभग कंटिन्यूस पैटर्न रहा है इसका। तो ये टॉपिक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको भी पता है, हर स्टूडेंट को पता है, तो बेहतर है आप इसे प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग आते ही आता है, तो आप और बेहतर तरीके से लिख पाओ। तो ये क्वेश्चन यहाँ हेल्प कर देंगे। अब जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट की एनालिसिस इस टाइप की करके बता दो जिससे हमें समझ में आए कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा कब इम्पोर्टेंट है। तो ये पिछले साल किया था लेकिन इसका कोई इम्पोर्टेंस निकला नहीं, कोई रिजल्ट निकला नहीं फाइनली समझ में। वैसे पिछली बार भी यही बोला था कि सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है कोई, आप सब्जेक्ट के हिसाब से जाओगे तो शायद है उतना बेहतर रिजल्ट न निकले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्राइबोलॉजी है, ट्राइबोलॉजी आपको कम इम्पोर्टेंट लग सकता है लेकिन ट्राइबोलॉजी आप पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा। इसका जो फॉरेस्ट का इकोनॉमी वाला सेक्शन है, ट्राइबल इकोनॉमी का, केवल वो एक ऐसा सेक्शन है जो अक्सर आया है। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से ना जाएं, हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज सिल्वीकल्चर है, इसमें 40 टॉपिक हैं, आप ये देखेंगे कि 40 में से लगभग 15 या 16 ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर आ रहे हैं। तो बेहतर है अगर आपके पास टाइम की कमी हो, खासकर टाइम की कमी वालों के लिए, तो आप अगर जिसके पास समस्या नहीं है वो तो 40 के चलो पूरे पढ़ेगा, जिसके पास समय की कमी है तो कम से कम 15-16 पे ध्यान दें, ना कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ें। उससे बेहतर है टॉपिक इम्पोर्टेंट को पहले कवर कर लें, फिर रिमेनिंग टाइम में अदर चीज़ों को कवर करें। ये अक्सर तब होता है जब आपने सिविल के बाद वो 15-20 दिन के पीरियड में फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे होता है। एक और बात और आती है कि क्या आपके जो नोट्स हैं या फिर हमने जहाँ से भी नोट्स हैं क्या उसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्या उसका कुछ फ़ायदा है? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बिल्कुल फ़ायदा है, मैंने खुद बनाए हैं और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, चाहे वो IFS हों, चाहे IAS हों, IPS भी हैं और ये लोअर में भी हैं जैसे कि ACF RFO भी हैं, सभी के साथ ये है कि उन्होंने जो भी स्टडी मटेरियल, सपोज आप क्लासेस के नोट्स भी ले लेते हो तो वो 1000 पेज के हैं, 1000 पेज को रिवीजन करना 2 घंटे में संभव नहीं है। तो बेहतर है आप पूरे 1000 पेज को पढ़ें, हर टॉपिक को पढ़ते समय उसके कुछ फ्लो चार्ट जो होते हैं ना, आपको डिटेल में ज़रूरत की, बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज वॉल्यूम है, वॉल्यूम मेजरमेंट करना, उसके 5 तरीके हैं, आप ऐसे फ्लो चार्ट में 5 लिख लो, एक कुन्ने में पेज के में हो गए, या आप उन्हें सीधा इनलिस्ट कर लो 5 को और ये वॉल्यूम के हैं। आप शॉर्ट में 20 पेज 50 पेज में पूरी फॉरेस्ट्री लेके आइए फ्लो चार्ट में, इससे फ़ायदा क्या? आप जैसी आपको बोला मैंने हिप्पोपोटेमस, आपके दिमाग में कोई पिक्चर आ गई, एलिफेंट बोला आपके दिमाग में कोई पिक्चर आ गई, मैं आपको वॉल्यूम मेजरमेंट बोलूँगा, आपके दिमाग में एकदम वो 5 फार्मूले आएंगे। रिमेनिंग चीज़ें एक के बाद एक दिमाग एडजस्ट कर लेता है, 2-3 बार थ्योरी पढ़ोगे दिमाग एडजस्ट कर लेगा, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क याद हो जाना चाहिए। फ्रेमवर्क का एक तो फ़ायदा ये होता है कि रिवीजन बहुत क्विक हो जाता है, एक टाइम पे सब्जेक्ट उंगलियों पे आ जाएगा, और एग्ज़ाम के टाइम पे अक्सर जब रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है तो ये बहुत हेल्प करता है। कई बार जैसे अगर आपका पूरा 30 पेज में है, आप पहला पेपर दे के आए और शाम का पेपर दे रहे हो, बीच के 2-2.5 घंटे में अगर आपने 15-20 मिनट भी देख लिया तो एक टाइप से पूरा सब्जेक्ट आपकी रैम पे आ गया। अब क्वेश्चन कैसे भी आए आप बिल्कुल मस्ती से खेलते हो एग्ज़ाम के साथ, तो वो फ़ायदा है इसका, शॉर्ट में हो जाता है, मीन्स रिवीजन हो जाता है। दूसरा, जैसे पिछले साल का पेपर आया GS जो अपना सेकेंड पेपर था, वहाँ पर क्या है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर दिया, चाहे आप जैसे सिल्वीकल्चर को फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जोड़ दो, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट मैनेजमेंट को वाइल्ड लाइफ से जोड़ दो, या मैंसुरेशन को एग्रो फॉरेस्ट्री से जोड़ दो। जब सब्जेक्ट आपकी उंगली वहाँ पर है तो ऐसा जोड़ना आसान हो जाता है, प्रेशर नहीं बनता आपको। और इसका बेनिफिट यह है, देखो जैसे सेकेंड पेपर आया जो जेनरिक टाइप का था, जहाँ 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को एक साथ अप्लाई कर दिया, इसमें क्या होता है कि सभी स्टूडेंट सभी एस्पिरेंट्स बिल्कुल एक लेवल पे आ जाते हैं,
अब यहाँ पर जो थोड़ा अच्छा लिख देगा उसे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, जो समझ में नहीं आया क्या करूँ इसको, उनने उसे सही नहीं लिखा या नहीं लिख पाया, डायग्राम वगैरह थोड़ा कम यूज़ कर पाए, तो थोड़े कम मार्क आ गए, जिसका फाइनली अपन को लिथली इम्पैक्ट दिख जाता है। तो आप यहाँ ओवन नोट्स बनाने का मैं सजेस्ट करूँगा, पिछली बार भी बोला था, आपसे भी यही बोलूँगा, यही करो। और फिर फाइनल वही है, राइटिंग प्रैक्टिस, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, फाइनल फायर फाइटिंग यही है। आप कोशिश करिए कि आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखें, आप बगल में लिख लीजिए कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ बनाया क्या, ग्राफ नहीं बनाया एक मार्क काट दो, अंडरलाइन बॉक्स, ये जो हर चीज़ के कुछ जो बेसिक 3-4 टर्म होते हैं हाईलाइटेड, वो जो की टर्म है उनको आप याद रखो कि की टर्म को आपने लिखा है, हाईलाइट किया है कि नहीं। की टर्म से क्या होता है कि इंट्रोडक्शन की जो 2-2.5 लाइनें होती हैं वो आसान हो जाती हैं, फ्लो चार्ट बनाया है कि नहीं, एग्जांपल और कोई ये की टर्म टर्मिनोलॉजी लिखी कि नहीं, अगर ये चारों यूज़ नहीं किए गए 4 मार्क काट लो, 6 मार्क्स में से जैसे आपके 3-4 मार्क्स आएंगे आप अगली बार के लिए फिर सुधरेंगे। और ये धीरे धीरे ही राइटिंग प्रैक्टिस में आता है, तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि पहले पेपर जो 1 है उसका ए सेक्शन कंप्लीट करो, फिर बी करो, फिर दूसरे पेपर का ए करो और बी करो। अगर टाइम की कमी है तो मैं बेहतर यही मानता हूँ कि दोनों के ए सेक्शन या दोनों के बी सेक्शन, जो भी आपको सूटेबल है उससे पहले करो, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में हम लोग आराम से पढ़ते हैं तो ये सेक्शन अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बाद में थोड़ी हड़बड़ी रहती है। तीसरा है कि गाइडेंस क्वेश्चन लिखें तो कैसे लिखें, समझ में नहीं आ रहा फॉरेस्ट्री के, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप फॉरेस्ट्री की क्वेश्चन देखो। आजकल बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे लोग पब्लिकेशन है, उनकी वेबसाइट पर जाइए और किसी भी ऑप्शनल की, जैसे सपोज बॉटनी है, आपका बॉटनी नहीं है, आपका जियोलॉजी है, लेकिन आप बॉटनी वाले की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, बॉटनी ऑप्शनल की, उनके पैटर्न को समझिए कि वो बॉटनी में कैसे लिख रहे हैं। उनके पैटर्न के हिसाब से आप कुछ चीज़ें निकलेंगी, उन्हें आप एब्जॉर्व करने की कोशिश करिए और अपने राइटिंग उसे लेके आइए। यहाँ पर ही सब कुछ निकलेगा आपका, जो कुछ है फायर फाइटिंग वही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ही देगी आपको। हम लोग कितना भी कुछ कर लें, एक लिमिट से हमारे एक लिमिटेशन है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जो लड़ाई लड़नी है वो आपको ही लड़नी है और वो प्रैक्टिस से ही होगी। और लास्ट में यही है कि यहाँ अपने यहाँ कोई डोप टेस्ट तो चल नहीं रहा, किसी ने आपको मना भी नहीं किया, तो बेहतर है कि जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे है, आप आराम से विटामिन है, बूस्ट है, ग्लूकोज वगैरह है, डाइट पैटर्न है, इन्हें आराम से ले सकते हो। ऐसी चीज़ें जो आपकी स्टेमिना बढ़ाएं, आप बिल्कुल कंज्यूम करें, उन्हें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ ड्रग्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी चीज़ें बूस्ट, विटामिन, ग्लूकोज वगैरह की बात कर रहा हूँ। दूसरा, कोशिश करिए कि आपका 15-20 दिन पहले, एक मंथ पहले कि आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो एग्ज़ाम के टाइम के हिसाब से हो जाए तो बेहतर है, जिससे एग्ज़ाम के दिन आपको अचानक से अजीब सी फीलिंग ना आए। और अगर आपका सेंटर छोटी सिटी में है, जैसे देहरादून है, भोपाल है, नागपुर है, तो इनमें क्या है, थोड़ा आसान जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान है, सेंटर के आसपास ये होटल वगैरह मिल जाते हैं 5-10 मिनट के रास्ते पर, तो एग्ज़ाम देना आसान पड़ जाता है। आप एक पेपर के बाद घर पर आ गए, यानी कि होटल आ गए, 15-20 मिनट रिलैक्स कर लिया और वापस चले गए। दिल्ली में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग रहते हैं या तो करोल बाग, राजेंद्र नगर वाला एरिया है, या फिर उधर मुखर्जी नगर, तो 1-1.5 घंटे पहले निकलना होता है, फिर वो मेट्रो का झंझट, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो दिल्ली में क्योंकि IFS का एग्ज़ाम आपको UPSC के सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, UPSC की जो मेन बॉडी है इंडिया गेट पर, तो मेन बिल्डिंग में उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर बना रखा है, वहीं पर बुला लेते हैं वो, तो वो थोड़े सिरदर्द हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें आप आसानी से देख सकते हो। अब मुद्दा आता है कि अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमारी साइड से क्या फैसिलिटी मिलेंगी। तो एक तो आपको रिकॉर्डेड क्लास हो मिल जाएंगी, YouTube के थ्रू दी जाती हैं, लाइव क्लास नहीं होती हैं, क्योंकि लाइव क्लास में एक तो 15 मिनट स्टार्टिंग में बर्बाद हो जाते हैं, कोई आ रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, किसी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, तो वो समस्याएं सिरदर्द बढ़ा देती हैं। दूसरा, वैसे भी लाइव क्लास में आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि एक लेवल के बाद फिर क्वेश्चन वैसे पूछे जाते नहीं हैं,
आप लोगों का पहले से लेवल है, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि ये साल्ट स्प्रे है वो क्या है, कोस्टल एरिया में साल्ट स्प्रे क्या है, क्योंकि प्रीलिम में पहले ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि पेड़ क्या है, रूट क्या है, ये सारी चीज़ें तो कोई पूछेगा नहीं। और जो कॉमन सी चीज़ें हैं, अगर कहीं समझने में कोई समस्या आ रही है तो वो आप लोग वैसे भी प्राइवेट जो चैट ग्रुप बनाए जाते हैं, पेड ग्रुप, आप उन ग्रुप्स पे पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आप टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे ही वॉइस का सिस्टम दिया गया है, आप उस पर उंगली रखिए, जो आपको बोलना है आप वहाँ बोलिए और छोड़ दीजिए, वो वीडियो रिकॉर्ड जो ऑडियो है वो पहुँच जाएगी हमारी साइड से भी, जैसे ही टाइम मिलता है आपको प्रॉपर वे में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि वही होता है कि सपोज हमारे यहाँ कोई और किसी सिस्टम में लगा है, आप कॉल कर रहे हैं तो पता पड़ा कि आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल पाया, तो बेहतर है इसमें कि आप ऑडियो छोड़ दो, हमारी साइड से आपको ऑडियो मिल जाए, कोई इशू नहीं होता उसमें, और आप कभी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे भले ही रात को 2 बजे आप मैसेज छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम का कोई इशू नहीं होता, आप कभी भी मैसेज छोड़ सकते हैं। दूसरा, आपको वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल मिल जाता है, हम लोग थोड़ा आगे भी देख लेंगे, वैसे आपको वीडियो के साथ भी सैंपल दिए गए हैं, और आप लोग जब मैसेज छोड़ेंगे कि मैं इस क्लास में इंटरेस्टेड हूँ, तब भी आपको हमारी साइड से सैंपल सेंड किए जाते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, तो ये काफ़ी है, आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये मैं भी मानता हूँ कि इसमें सब कुछ कवर नहीं होगा, कितना भी हम कर ले, एक हमारी भी लिमिटेशन है कि हम आपको स्टडी मटेरियल 2000 पेज 2500 पेज 3000 पेज में नहीं दे सकते, आपको 1000 पेज की लिमिटेशन है, इसमें ही कवर करना है, तो हर चीज़ हर एंगल ऐड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो और वही है कि हम कर भी दें, करेक्टर छोटा करके कर देंगे, लेकिन फिर आपकी भी है हर चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है, और फॉरेस्ट की इतना डिटेल हो जाएगा तो फिर अदर सब्जेक्ट का क्या होगा, GS और इंग्लिश है उसका क्या होगा, तो अपनी एक लिमिटेशन होती है कि अपने एक लिमिट में कर सकते हैं, तो वो रेंज जो लीथल ना हो जाए, कॉस्ट बेनिफिट में सबसे मैक्सिमम हो वो है, तो अपना स्टडी मटेरियल जो है ऑलमोस्ट जो भी पॉसिबल एंगल हैं वो सब कवर हैं। जैसा मैंने बोला कि पिछले 15 साल में जितने भी स्टेट के पेपर हैं, जो भी IFS के पेपर हैं, वो 15-16 साल के सभी क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं स्टडी मटेरियल में, सभी क्वेश्चनों को एनालाइज करके सभी चीज़ें यहाँ ऐड कर दी गई हैं, तो ऑलमोस्ट कुछ बचता नहीं है, सब कुछ कवर हो जाता है यहाँ, आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग पहले ही प्रीलिम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, वही CPT चीज़ें यहाँ है कि इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, पिरामिड क्या है, फूड चैन, फूड वेब, तो वही चीज़ों को यहाँ 20-50 पेज बढ़ा करके रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, और आप वहाँ पर पहले ही मार्क वगैरह हाईलाइट कर चुके हो, तो वही चीज़ है, तो केवल वो पार्ट इसमें नहीं होगा, अदरवाइज अगर कहीं नेसेसरी रहेगी तो अपडेट जो है वो आपको देते रहेंगे। और ऐसा होता भी है कि जैसे स्टडी मटेरियल है वो आपका 15 दिन पहले 20 दिन पहले 1 मंथ पहले प्रिंट हो चुका है, और क्योंकि काम तो कंटिन्यू चलता है, तो कोई मटेरियल में या किसी क्वेश्चन पे कहीं बाद में अपडेट होता है कुछ, तो आपको वो अपडेटेड जो PDF है वो आपके ग्रुप पे, जो भी व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे पैड ग्रुप है वहाँ अपलोड कर दी जाएगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है चैट सपोर्ट, इसकी बात कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको ज़रूरत होती है लास्ट 2 या 3 ईयर के, जिससे एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन का समझने के लिए, हर को करने का क्या है कि 10 साल के दे दो, लेकिन फ़ायदा क्या है, वही कॉमन सी चीज़ें रहती हैं कि इंट्रो लिखना, बॉडी लिखना, और वो सब कुछ स्टडी मटेरियल में पहले ही उस वे में है कि अगर किसी के 10 प्रॉपर्टी हैं, वो 10 प्रॉपर्टी 20 बार पूछी गई हैं, वो एक बार 10 लिख दी हैं, आप वहाँ से कवर कर लोगे, तो ये आपको मिल जाएंगी PDF फॉर्मेट में मिलेंगी, जिसे आप अपने एंड पे प्रिंट कर सकते हैं। रिमेनिंग है टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ अभी अनाउंस नहीं की गई है, उम्मीद है 15 या 16 नवंबर तक कर दी जाएगी, पर्पज़ यही है कि कम से कम सिलेबस इस लेवल तक हो जाए अपना कि आप लिख सको उसे, तब उस पर टेस्ट सीरीज का काम किया जाए, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा लिख ही नहीं सको तो कोई प्रॉफिट उसका फ़ायदा होगा नहीं,
और क्योंकि कॉपी मुझे ही चेक करनी होगी, इसकी एक लिमिटेशन रहती है कि उतना स्किल के पर्सन या तो मिलते नहीं हैं, और जो हैं जिनके पास स्किल है वो अवेलेबल नहीं है, और जो स्किल और अवेलेबल है उनकी जो सैलरी है वो भाई हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उन्हें 1.5 या 2 के आसपास दे पाएँ, और 60-70 तक कोई करने को तैयार होता नहीं है, तो वो दिक्कतें हैं टेस्ट सीरीज में। तो जहाँ तक होगा मैं ही चेक करूँगा, तो लिमिटेशन रहेगी टेस्ट सीरीज में। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को रहेगी कि जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है, अगर उनमें से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है तो पहले उन्हीं को देखा जाएगा, जिससे उन्हें एक सुटेबल सिस्टम दिया जा सके। अगर वहाँ कोई स्लॉट अवेलेबल हो सकता है तो फिर ओपन रहेगी सभी के लिए। क्लासरूम के बाद एक आता है कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है इस क्लास को। तो देखो, जो IFS 21 दे रहे हैं या 22 दे रहे हैं वो दोनों ही दे सकते हैं। 21 वालों को भी बेसिकली 22 के जो वीडियो हैं, अगर आप आगे भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको वो फ्रीली अपग्रेड कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर YouTube के थ्रू ले रहे हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा रॉयल्टी या कोई अदर चार्जेस लगते नहीं हैं। अगर ऐप के थ्रू आते हैं तो उस केस में हमें ऐप के जो चार्जेस हैं, पोर्टल चार्जेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो उस केस में अगर पोर्टल के थ्रू मूव करते हैं तो शायद आपसे पोर्टल चार्ज लिया जा सकता है, जो शायद पूरे कोर्स का 10% के आसपास हो सकता है, अदरवाइज आपसे नहीं लिया जाएगा। दूसरा, हिमाचल उड़ीसा PSC है, इनके सिविल और ECF RFO के एग्ज़ाम हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लगभग 90% या 89-90% जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है, कॉमन है। 12-11% डिफरेंट है, जिसमें इनकी स्टेट की कुछ फॉरेस्ट पॉलिसी होंगी, फॉरेस्ट एक्ट होंगे, उनका वेरिएशन हो जाएगा। कुछ स्टेट फॉरेस्ट टाइप होते हैं वो अलग हो जाएंगे। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि इंडियन ट्री स्पीसीज होती है अपने 32 के आसपास हैं IFS में, उनमें से जैसे हिमाचल है उसमें से कुछ हिमाचल में नहीं है, और हिमाचल में 6-7 स्पीसीज अपनी अलग ही हैं जो हिमालय रीजन में ग्रो करती हैं, तो यहाँ वेरिएशन थोड़ा हो जाता है। तो ये जो वेरिएशन है इसे जनरली PDF फॉर्मेट में आपको सप्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन ये PDF फॉर्मेट में आपको केवल वही पार्ट किया जाएगा जैसे कि ट्री स्पीसीज वाली है, कॉमन सी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, ऐसी चीज़ों को दे दिया जाता है, लेकिन स्टेट के जो एक्ट हैं, स्टेट की पॉलिसी है, वो सप्लीमेंट नहीं की जाती है, वो हमारे एंड पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो आपको अपने एंड पे देखना होगा कि आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट को आप देख सकते हैं। इनके पिछले साल के क्वेश्चन भी शामिल हैं इसमें, तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये है कि ये स्टेटों के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो IFS जितना टिपिकल नहीं है। UP, बिहार, उत्तराखंड ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और सिंपलीफाई रहता है, तो उन्हें उतना IFS जितना जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक लेवल तक अंडरस्टैंडिंग पे ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। अब बात आती है कि MCQ वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जैसे कि ICR GRF है, मान लो MP का कोर्स है, या CG वाले हैं, या MP वाले हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव जैसे एग्ज़ाम के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये रिटेन एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव में बनाई जा रही है सीरीज पूरी की पूरी। दूसरा, इवन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम में भी फ़र्क है, आपका एग्ज़ाम, आपके स्टेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन। ऑनलाइन में एक अलग ही एंगल चला जाता है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बैंक से आते हैं, ना कि टीचर सेट करते हैं, तो वहाँ एक डीप लेवल की नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन की भी एक अपना पचड़ा है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव वालों के हिसाब से सुटेबल नहीं है। एक है कि जो वीडियो क्लास है आपकी वो कितने टाइम तक रहेगी, कब आएगी, तो अभी देखो YouTube के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। YouTube पे एक प्लेलिस्ट बना दी जाती है IFS 2021 के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जैसे जैसे क्लासें आती जाएंगी उस प्लेलिस्ट में अपलोड होती जाएंगी, वहाँ नीचे होती रहेंगी। सामान्य तौर पे शाम के 6-7 बजे के आसपास वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, आप आराम से वहाँ वॉच कर सकते हो। YouTube पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक बार वीडियो अपलोड हो गया तो परमानेंट बना ही रहता है जब तक YouTube है, एडजस्ट करता है, लेकिन हम लोग उसे नेक्स्ट 2 ईयर तक मैनेज करते हैं कि कोई समस्या ना आए।
वीडियो नॉन डाउनलोडेबल रहेंगे, आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते, बट मल्टीपल टाइम वॉच कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस से कर सकते हैं। बट आप याद ध्यान रखें उसमें कि आपकी लोकेशन ऐसी ना हो कि दर एक सिम आईडी दिल्ली से भी ओपन हो रही है और नागपुर से भी या मुंबई से, तो इस टाइप की जब दो लोकेशन हो जाएंगी तो उस केस में गूगल डिटेक्ट कर लेगा, तो वहाँ आईडी ब्लॉक हो सकती है, अदरवाइज कोई इशू होते नहीं है। हालांकि ऐसे आईडी ब्लॉक के पिछले 2 साल में एक ही केस हुआ है, अदरवाइज किसी पैसा एक्शन हुआ नहीं है। और फिर एक लेवल के बाद देख लेते हैं कि इग्नोर करना है नहीं करना, वो अलग बात है। दूसरा, क्लास की जो PPT होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप हर वीडियो के साथ उसकी PPT उसके डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, क्लास का जो मॉडल है वो इस टाइप से है कि आपको क्लास वॉच करनी है, कुछ अच्छा लग रहा है तो आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एग्ज़ाम वैसे नहीं है कि आप मैं पढ़ाऊँ आप उसे लिखो नोट्स बनाओ, ये एग्ज़ाम बहुत आगे जा चुके हैं, आपको बस उसे समझना है और आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसे जस्ट फटाक से 2-3 बार रिवाइज कर लो, काम तमाम हो गया उसका। वीडियो का ये हो गए, डाउट के लिए आप मैसेज कर ही सकते हैं। स्टडी मटेरियल कलर प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा, अपडेट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे उसके। स्टडी मटेरियल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, एक टाइप से एडवर्टाइजमेंट हो गई हमारी कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले सिलेबस दे दिया जाता है कि अभी तो 3 ही स्टेट हैं, संभव है फ्यूचर में अदर स्टेटों को भी ऐड कर लिया जाए जो रिटन एग्ज़ाम है, कि जैसे IFS का ये पार्ट कवर होगा इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में उड़ीसा सिविल का ये पार्ट कवर हो रहा है, हिमाचल का ये कवर हो रहा है, इसके चैप्टर हैं, इसका पिछले साल का जो IFS के क्वेश्चंस के जो आने का पैटर्न है वो है, फिर आपको इसके पिछले साल के क्वेश्चन उसी के बाद लगा हुआ जो है, इस टाइप के ईयर वाइज क्वेश्चन अरेंज मिल जाते हैं, यहाँ आप सीधे क्वेश्चन उन्हें देख सकते हैं। और क्वेश्चन आपको यहाँ तो एक साथ दे दिए गए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके थ्योरी में भी साथ साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन सीधे वर्ष के हिसाब से ईयर के हिसाब से अरेंज हैं, बट ये क्वेश्चन आगे आपको टॉपिक के साथ भी चलेंगे। जैसे फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है तो यहाँ IFS आ गया और यहाँ अदर स्टेट के आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे ये टॉपिक के साथ भी चलते रहेंगे, आप इन्हें यहाँ पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, जिससे इस टॉपिक से जुड़े हुए जो डिफरेंट एंगल हैं वो भी आपको आएंगे। जैसे यहाँ पर हमें फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए, नीड ऑफ देयर क्लासिफिकेशन, अब ये सिंपल सा चीज़ है तो कई बार समझ में नहीं आता, तो यहाँ नीड से समझ में आ रहा है कि ये इंट्रो पढ़ा है, यहाँ पर पता है लिखा है कि क्यों किया, पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्शन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट रिकॉर्ड पर्पज के लिए, तो नीड क्या है वो यहाँ समझ में आ रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका वो समझ में आ रहा है। तो कई बार ये स्टेट वाले जो पॉइंट है वो यहाँ हेल्प करते हैं अपन को क्वेश्चन को और बेहतर समझने में या IFS में मार्क हालिस करने में। और ये जो भी चैप्टर होगा, जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कई बार यहाँ क्वेश्चन जो है सभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ऐड करना, नेसेसरी क्वेश्चन ही ऐड किए जाते हैं, तो जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ लास्ट में समराइज कर दिया जाता है। ये जो स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, IFS वाले ने अपने हिसाब से देख सकते हैं समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ है नरेट द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन 5-year plan, ये क्वेश्चन यहाँ उड़ीसा में आया था 11 में, मुझे डर है कि कहीं इस बार IFS में ना आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन कि आपसे फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट है या फॉरेस्ट की जो हिस्ट्री है 5-year plan के हिसाब से पूछ ले, या आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में जो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट है वो 5 फेज में या 4 फेज में कौन कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं इसमें, जम्मू कश्मीर में आए हैं और भी स्टेटों में आए हैं, वो कुछ अलग एंगल कर देंगे लेकिन चीज़ें वही होंगी, घूम फिर के घुमाएंगे, तो उन चीज़ों को यहाँ समझना थोड़ा आसान कर देते हैं। नोट्स में और क्या होगा, कुछ जगह आपको हैंड से डायग्राम मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह कंप्यूटर जनरेटेड फ्लो चार्ट डायग्राम है, आपको प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन है उस पर कमेंट्री मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या लिखना चाहिए,
क्योंकि कई बार सॉल्यूशन ऊपर इतना ज़्यादा डिटेल हो चुका है कि उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ सॉल्यूशन की ज़रूरत होती नहीं है। और इन्वायरमेंट का तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डाउट के केस में अपने पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो पैड ग्रुप बनेंगे, डिस्कशन ग्रुप, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। इन केस अगर कोई ज़्यादा सीरियस इशू है आप कॉल भी कर सकते हो, बट ऑफिशियल टाइम में आप कॉल कर सकते हो। और लास्ट में अपनी फ़ीस वाला इशू कि भाई फ़ीस क्या रहेगी। कुछ लोगों ने बीच में मैसेज भी किया था कि फ़ीस ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है। तो इशू ये है कि एक टाइम के बाद जैसे ही सिस्टम एक्सपेंड होता है आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन बढ़ जाते हैं। जैसे 18% GST का जो है चक्र है वो चालू हो चुका है हम लोगों पे भी, तो अब आपसे जो भी क्लास ले रहे हैं उस पर 18% ही जोड़ के ये हो जाता है आपका। अभी इसी वजह से हम लोग जैसे एंड्रॉयड ऐप है उस पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐप के थ्रू जाने में हमें लगभग 5.25% चार्ज और पड़ रहा है। यानी कि 100 रुपये पे 5.25 रुपये, आपके 1000 रुपये पे 50 रुपये के आसपास। तो आपके अगर सपोज मैं 8700 लेता हूँ, सपोज जैसे मैं 9000 मान लूँ, तो 9+45 यानी कि आपके लगभग 450 के थोड़ा कम होंगे, 435-440 के आसपास और बढ़ जाएंगे। तो ये खाली पीली में लोड बढ़ता है, अभी इस फेज में ठीक नहीं लगा, तो इसलिए ऐप को अभी यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये अपनी फ़ीस रहेगी। वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मटेरियल और कोर्स है वो एक साथ ले लो, ख़त्म हो जाता है मैटर, पढ़ो आराम से। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं पहले स्टडी मटेरियल ले लेता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो वीडियो क्लास ले लूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर वीडियो क्लास के लिए 5900 पे करेंगे। वो केवल ये मेन फीस रहेगी उनकी, इसमें ये जो फ़ी है उसे डिडक्ट करके जो डिफरेंस है केवल डिफरेंस पे करना होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? व्हाट्सएप टेलीग्राम का आपके पास नंबर है, जीमेल आईडी है, आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स में क्या, जैसे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी, जैसे आप यूट्यूब में लॉगिन करते समय यूज करते हैं, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शिपिंग एड्रेस जिस पर हम लोग नोट्स भेजे जा सकें, और पेमेंट आप पेमेंट डिटेल्स। इसके साथ में ही मॉड्यूल दिया गया है प्रोस्पेक्टस IFS के लिए, उसमें दिए गए हैं जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, UPI ID, नेफ्ट, RTGS, आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैंकिंग से कर सकते हो। तो पेमेंट करने के बाद उनका स्नैपशॉट या रेफरेंस नंबर आपको शेयर करना है और अपनी डिटेल शेयर कर देनी है। इसी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप कर देंगे इसी नंबर पे। अगले 3 घंटे में लगभग आपकी आईडी हमारी साइड से एक्टिव कर दी जाती है। इसके बाद और कोई अगर दिक्कत है तो लिंक दी गई हैं, आप वहाँ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ कॉल कर सकते हो। और कोई समस्या रही तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे आप कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आगे डिस्कशन भी हो सकता है। और कोशिश की जाएगी कि अगले 10-15 दिन के अंतराल से एक पब्लिकली एक ओपन डिस्कशन होता रहे, स्पेशली जो अपने कंटेम्प्रेरी टॉपिक हैं, जैसे कि अभी अपना जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट आया है अगेन, पहले भी बीच में आया था फिर ले लिया, तो अब भी फिर से अगेन आया है। तो अब ड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन IFS में पूरी पॉसिबिलिटी है, इस बार इंटरव्यू में भी संभव है कि किसी से पूछा हो, लेकिन IFS के मेंस में और सिविल मेंस दोनों में ही संभावना है कि उस पर क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन कंटिन्यू होता रहे अपना। आप सभी लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वॉइस भी क्लियर नहीं है फिर भी आप लोगों ने काफ़ी टाइम दिया है यहाँ के लिए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।